स्टूडेंट, आई एम राशि जैन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड किया करती हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जिसमें हमको रियल पार्ट गिवन था या इमेजनरी पार्ट गिवन था, या हमको रियल और इमेजनरी पार्ट का एक रिलेशन गिवन था। तो वहाँ पे हमने दो मेथड, लिने थॉमसन मेथड को या सीआर इक्वेशन मेथड को हमने यूज करके एनालिटिक फंक्शन को फॉर्म किया। आज के वीडियो लेक्चर में मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है हार्मोनिक फंक्शन। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हो तो प्लीज उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर अपलोड करते रहूं। तो चलिए आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन, उसको स्टार्ट करते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं? अ रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन इन इट्स डोमेन इफ इट सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन। रियल वैल्यूड फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन तब कहलाएगा जब वो डोमेन में लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लाप्लास इक्वेशन क्या होता है? ये डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये टू डायमेंशनल है क्योंकि एफ यहाँ पे टू वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स और वाई। यदि ये थ्री वेरिएबल का फंक्शन होता, थ्री डी होता, तो हम यहाँ डेल टू एफ बाय डेल जेड स्क्वायर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, आपके पास दो ही वेरिएबल का फंक्शन है एक्स एंड वाई, तो यहाँ हमने लिखा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका होता है लाप्लास इक्वेशन। तो यदि रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन एफ जेड डोमेन में लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन एफ जेड हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। इसके जो कंपोनेंट है यू एंड वी, ये भी हार्मोनिक कहलाएंगे तब जब ये भी, क्योंकि आप जानते हैं एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, और यू और वी दोनों ही क्या होते हैं, एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं। इसलिए यू एक्स और वाई के दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा टू टाइम्स और उनको ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू जीरो। सेम वी भी आपका एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में टू टाइम डिफ्रेंशिएट होने के बाद, ऐड करने के बाद यदि वो जीरो देता है तो ये कहलाता है हार्मोनिक फंक्शन और ये इक्वेशन कहलाता है लाप्लास इक्वेशन। क्लियर? तो यदि यू और वी भी लाप्लास इक्वेशन के सेटिस्फाई करते हैं तो यू और वी भी कहलाते हैं हार्मोनिक फंक्शन। ये था आपका हार्मोनिक फंक्शन। फंक्शन के हार्मोनिक होने के लिए उसका लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन देन कंपोनेंट ऑफ एफ जेड दैट इज यू एंड वी बोथ हार्मोनिक फंक्शन। मीन्स यदि आपका फंक्शन एफ जेड यदि एक एनालिटिक फंक्शन है तो एफ जेड के जो कंपोनेंट है यू और वी दोनों ही क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। मीन्स यू और वी दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंड है इफ यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन देन एफ जेड मे और मे नॉट बी एनालिटिक। मीन्स यदि यू और वी हार्मोनिक फंक्शन है तो कोई जरूरी नहीं है कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन हो। तो इसको हम प्रूव करके दोनों को देखेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसको सॉल्व करके मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि यदि फंक्शन हार्मोनिक है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक फंक्शन हो। तो चलिए सबसे पहले ये वाला पहला वाला देख लेते हैं। एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन गिवन है, देयरफॉर इट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन। ये फंक्शन यदि आपका एनालिटिक फंक्शन है तो इट मींस वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और सीआर इक्वेशन क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई। यही है आपके सीआर इक्वेशन। इसको मैं इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू लिख देते हैं। अब पार्शियली यदि डिफरेंशिएट कर दें, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या बनेगा, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल वाई, और पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यदि इस इक्वेशन टू को मैं वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दूं तो बनेगा, चले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को मैंने वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया तो बन गया डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू वी बाय डेल वाई डेल एक्स। अब आप इन दोनों इक्वेशन को यदि ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर। लेफ्ट साइड को मैंने ऐड कर दिया, अब राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं तो बनेगा डेल टू वी बाय डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है, मीन्स यदि आप ये लिखते हैं डेल टू वी बाय डेल एक्स डेल वाई, ये दोनों ही इक्वल होते हैं डेल टू वी बाय डेल वाई डेल एक्स, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, दोनों ही इक्वल होते हैं। तो देखिए ये दोनों प्लस और माइनस का केस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा जीरो, मीन्स हमारे पास आ गया डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर। एफजेड का जो एक कंपोनेंट यू है उसने लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया, तो ये क्लियर हो गया आपका यू क्या बन गया, एक हार्मोनिक फंक्शन बन गया। अब हम वी के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं कि वी भी हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं। अब आपको सिर्फ उल्टा करना है, अब आपको यहाँ पे इक्वेशन वन को वाई के रिस्पेक्ट में कर दीजिए और इक्वेशन टू को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला ले लेते हैं डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स। अगेन क्या होगा कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, दोनों इक्वल होते हैं, कैंसिल आउट होकर के हमको क्या मिल जाएगा डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। वी ने भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया इसलिए वी भी क्या बन गया, हार्मोनिक फंक्शन। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमने प्रूव कर लिया कि यदि कोई फंक्शन है एफजेड एनालिटिक फंक्शन हो तो उसके जो कंपोनेंट हैं यू और वी दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यू और वी दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों ही क्या बन जाएंगे, हार्मोनिक फंक्शन। अब ये जो आपका थ्योरम है कि यदि यू और वी दोनों हार्मोनिक फंक्शन है तो एफजेड एनालिटिक हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, इसको प्रूव करने के लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। प्रूव दैट इफ यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड वी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोथ सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन बट यू प्लस वी इज नॉट मीन्स एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वी हमारे पास है माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सपोज ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, तो सबसे पहले आप इक्वेशन वन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए इक्वेशन वन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा टू। अब फिर से आप क्या करिए, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए इक्वेशन वन को ही विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये बन जाएगा डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस टू वाई और डेल यू बाय डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर बनेगा माइनस टू। अब इन दोनों को उठा के ऐड कर दीजिए तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, मीन्स आपका आ गया डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय
डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हमने यू के लिए प्रूव कर लिया कि यू ने लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, यू क्या बन गया, एक हार्मोनिक फंक्शन बन गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन टू को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डेल वी बाय डेल एक्स क्या बन जाएगा, देखिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये डिनोमिनेटर जब ऊपर जाके y कांस्टेंट होगा तो जीरो बनेगा माइनस, और माइनस करके जब y कांस्टेंट हुआ और डिनोमिनेटर ऊपर जाके डिफरेंशिएट हुआ तो बना 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करेंगे तो बनेगा 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब v को एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए तो क्या बनेगा, माइनस बाहर ले लेते तो बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और जब y डिफरेंशिएट होगा तो 1 माइनस y कांस्टेंट हुआ तो यहां से हमको मिलेगा 2y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करिए तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, मींस क्या बनेगा हमारे को, माइनस में से ये गया तो बन जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या डेल वी बाय डेल एक्स, इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो बन गया डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, अब देखिए जब डिनोमिनेटर ऊपर जाके कांस्टेंट होगा तो ये अब y x के रिस्पेक्ट में करें तो 2y बना माइनस 2xy कांस्टेंट हुआ तो बनेगा 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इनटू में ये डिफरेंशिएट हो रहा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और जब ये होगा तो बनेगा 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 4, 2 और 2 मिल करके 4 हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, एक ये इसमें से एक x स्क्वायर y स्क्वायर निकला क्योंकि यहां बीच में माइनस का साइन है, ये सारे इनटू में है, इधर भी इनटू में है, ये निकला कॉमन लेने से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा 2y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2y और इसका एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये बना 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 x स्क्वायर y, x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का क्यूब, एक से कैंसिल आउट हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके देख लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2x square y plus 2y cube minus 8x square y divided by x square plus y square का whole cube। इसको simplify करने से क्या बन जाएगा हमारे पास, 2y cube minus 6x square y divided by x square plus y square का cube। ये हमको क्या मिला, del 2v by del x square। अब ये जो v y वाला पार्ट है इसको एक बार और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं डेल टू वी बाय डेल y स्क्वायर, यहां से क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y बना माइनस, जब आपने y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को कांस्टेंट किया तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू 2y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 4। अगेन मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट कर देती हूँ तो बन जाएगा 2y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पे हमारा 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का क्यूब, इतना बचा हमारे पास। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बनेगा 2y x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल क्यूब। सिंपलीफाई करिए तो ये बनेगा, देखिए इसमें से ये गया तो माइनस बना और ये दोनों मिलके बन गया 6x स्क्वायर y माइनस 2y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल क्यूब। डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर को हम ऐड कर दिए लेफ्ट साइड को तो राइट साइड क्या मिला, 2y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y प्लस 6x स्क्वायर y माइनस 2
क्योंकि दोनों के ही डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म है, तो हमने एलसीएम ले लिया और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। तो देखिए कम टर्म कैंसिल आउट हो गए, तो क्या मिल गया ये वाला हमारा जीरो। तो आपको मिल गया डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। वी ने भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसलिए वी भी आपका क्या बन गया, हार्मोनिक फंक्शन बन गया। अब हमने यहाँ तक तो प्रूव कर दिया कि U और V जो हमको गिवन थे दोनों ने ही लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया और दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन बन गए। तो हम चेक कर लेते हैं दोनों U और V जो फंक्शन हमको गिवन है वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। CR इक्वेशन क्या होता है, डेल U बाय डेल X इज इक्वल टू डेल V बाय डेल Y एंड डेल V बाय डेल X इज इक्वल टू माइनस डेल U बाय डेल वाई। आप कंपेयर करके देखिए, हमने डेल यू बाय डेल एक्स निकाला था, आया था 2x और डेल वी बाय डेल वाई हमारे को मिला वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। सेम आपका डेल यू बाय डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स। कि यू और वी दोनों ने ही सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। यू प्लस आयोटा वी मतलब एफ जेड आपका क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन नहीं बना। तो इस दोनों थ्योरम में, जो दोनों थ्योरम है, इससे एक बात आपको साफ पता चल रही है, यदि कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो उसके कंपोनेंट यू और वी दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन होंगे। लेकिन यदि यू और वी हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन मीन्स वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो जरूरी नहीं है कि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन हो। क्लियर है, आई होप कि आपको यहाँ तक दोनों थ्योरम आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।